आगजनी के मामले में एक बार फिर से जो है फैसला जो आना था वो उसमें अगली तारीख पड़ गई है। रिजवान, अगली तारीख पड़ी है क्या, कौन सी तारीख पड़ी है? 27 पड़ी है, 26 सर पड़ी है। 26 जी, उम्मीद था कि फैसला आएगा। जी सर, तो सर सर उम्मीद तो हमको भी और आपको भी है कि जल्दी से फैसला है। जब बेगुनाह है तो न्याय की पूरी उम्मीद है सर। और आज शायद कुछ जानकारी हुई है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट थे, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, तो सर 26 तारीख डेट लगाई गई है। कौन से पेपर नहीं कंप्लीट था, कुछ जानकारी है? अब सर ने दोनों लोगों को बोला था, सरकारी वकील को भी बोला था और हमारे वकील को भी बोला था, तो वही बता पाएंगे कि कौन से पेपर इनकम्प्लीट थे दोनों तरफ से। जो भी होगा सर, आज फैसला आ जाता लेकिन जो है कुछ पेपर नहीं कंप्लीट, जिसकी वजह से आज फैसला जो है वो टल गया है। हाँ, कुछ ऐसी बात थी कि दोनों वकीलों से ही सर ने बोला था कि कुछ पेपर देना है सर 26 तारीख को। कुछ तो क्या 26 तारीख को क्या इरफान को बुलाने के लिए बोला है क्या? नहीं सर, इरफान भाई का तो कोई जिक्र हुआ नहीं था सर। कोई जिक्र नहीं, बुलाने के लिए कुछ नहीं? नहीं, बुलाने के लिए। आप रिजवान सोलंकी से, आपने बताया कि कुछ पेपर वर्क नहीं हो पाया था जिसके चलते जो है आज फैसला टल चुका है। हालांकि 26 अप्रैल जो है वो अगली डेट निर्धारित की गई है। वहीं जब रिजवान से ये पूछा कि इरफान को बुलाने के लिए क्या कोर्ट में कोई बात कही, तो उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात इरफान को बुलाने की नहीं कही गई। वीडियो विक्रम सिंह के साथ दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।